सागर में मेयर की पद की कांग्रेस प्रत्याशी निधि सुनील जैन ने आज अपना निर्देशन फॉर्म जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। निधि सुनील जैन ने इस अवसर पर सागर के विकास के लिए कृत संकल्पित होने का विश्वास दिला। डॉक्टर गौर और लाखा बंजारा के सपने का सागर बन सके इसके लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाया। नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने के पूर्व कांग्रेस कार्यालय 3 बत्ती से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जत्थे के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लोगों से जनसंपर्क कर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट, जिसके बाद प्रदेश संगठन के द्वारा नियुक्त चुनाव प्रभारी एवं जिले के वरिष्ठ कांग्रेसियों की उपस्थिति में उन्होंने नामांकन जमा किया। 3 बत्ती से रैली शुरू होने के पूर्व उन्होंने डॉक्टर गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया, तो वहीं 11 विद्वान पंडितों के साथ मंत्रोच्चारण के साथ हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन कर ईश्वर से अपनी इस राजनीतिक संग्राम की लड़ाई में जीत हासिल हो इसकी कामना के साथ हनुमान जी सरकार का आशीर्वाद भी लिया। निधि सुनील जैन के नामांकन रैली में लंबे समय बाद कांग्रेसियों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली, जहां हर मोर्चा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, तो वहीं वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारी की उपस्थिति भी रही और पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। निधि सुनील जैन के तौर पर कांग्रेस संगठन को एक नई संजीवनी मिल गई, जिसके तहत कांग्रेसियों का मनोबल बड़ा दिखाई दे रहा है और जिस ऊर्जा, शक्ति और विश्वास के साथ सभी एक बैनर तले खड़े दिखाई दे रहे हैं, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ जनता का समर्थन हासिल करने मैदान में ताल ठोक रही है, जिससे रोचक मुकाबला तय माना जा रहा है। छोटे छोटे मुद्दों को मैं सबसे पहले इंगित करूंगी, जैसे पेयजल की समस्या है, सड़कें हैं गड्ढों में तब्दील हैं, उनको करूंगी। और जो एक बालिकाओं और महिलाओं की और युवाओं की जो एक शक्ति है, मैं इस बार दिखा दूंगी कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं, घर का प्रबंधन और बाहर का प्रबंधन जिस तरह से होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। शहर में कितना उत्साह देखने को मिला, जोश और उत्साह जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुझे दिया और पूरे परिवार ने जो एकजुटता का परिचय दिया, मेरा सागर तो पूरा शहर ही मेरा परिवार है, मायका भी यहाँ है, यहाँ की बेटी भी हूँ मैं और यहाँ की बहू भी हूँ। और जिस उत्साह के साथ 3 बत्ती से लेके पूरे शहर का जो हम लोगों ने चक्कर लगाया और इतनी निष्ठा के साथ सब लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोगों को इतना उत्साहित कर रहे थे, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। और इसी तरह मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सागर के विकास के लिए कृत संकल्पित हूँ। कितने मतों से जीतेंगी आप? अगर सागर की जनता आपको इतना चाह रही है तो कितने मतों से ये तो सागर जी अभी तो मतदान होना बाकी है, इसके लिए तो अभी काफी टाइम लगेगा। टिकट मिलने के पहले तक एक्चुअली मैं एक सामान्य महिला हूँ, मुझे जब ऑफर आया कि आपको समर्पण के साथ, मैं समाज सेवा में तो सक्रिय थी लेकिन इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं थी कि इस तरह का मुझ पर कोई विश्वास करे। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो मुझ पर विश्वास किया और मुझे स्वयं भोपाल बुलाया और बोला निधि तुम ही ये कार्य आगे करोगी और इसे आगे बढ़ाओगी, तो मैं इस कार्य में क्षेत्र में कूद दी। बिल्कुल एक्शन लूंगी मैं, फाइलें तो क्या निकलवाऊंगी, मैं तो रोडें खुदवाऊंगी। सबसे जरूरी जो है रोडों के अंदर जो पाइप लगाए गए हैं, जो पाइप सेंक्शन थे वो नहीं लगाए हैं और जो काम होना था वो नहीं हुआ है, बार बार जो काम हो रहा है वो मैं कभी नहीं इस तरह के कार्य कराऊंगी। एक जो एक व्यवस्था होती है, अनुपालन होता है, जिस तरह से काम आगे बढ़ता है उस तरह के काम में आगे करूंगी। आपने डॉक्टर हरी सिंह गौर और लाखा बंजारा की बात करी, वो सपने कौन से हैं, शहरवासी भी जानना चाहेंगे ऐसे कौन से वो सपने थे जिन्हें आप पूरा। लाखा बंजारा का तो सपना सागर की जनता को मालूम है, जो मतलब उसने अपने बेटे के बलि